10 फिल्म को सलमान खान फिर से रिक्रिएट क्यों करना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड दिलाने वाले डायरेक्टर कौन थे? 10 फिल्म पूरी क्यों नहीं हो पाई? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रॉथ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। मुकुल एस आनंद का नाम जिस फिल्म से जुड़ा हो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलने की गारंटी हुआ करती थी, मगर एक ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने का ख्वाब अधूरा छोड़ वो दुनिया से चल बसे। ये फिल्म थी सलमान खान संजय दत्त की 10। ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। मुकुल एस आनंद बॉलीवुड के ऐसे धाकड़ डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बनाई। ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसने मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में काम ना किया हो, फिर वो अमिताभ बच्चन हो या विनोद खन्ना या फिर धर्मेंद्र। अमिताभ के साथ मुकुल आनंद ने अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी फिल्में बनाई थीं। तो विनोद खन्ना का कमबैक मुकुल आनंद निर्देशित इंसाफ से हुआ था। यहां तक कि अनिल कपूर और शाहरुख खान को भी उन्होंने एक फिल्म के लिए डायरेक्ट किया था, वो फिल्म थी त्रिमूर्ति। लेकिन मुकुल एस आनंद का एक ख्वाब अधूरा रहा, वो संजय दत्त सलमान खान को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था 10। इस फिल्म के प्रमोज भी रिलीज किए गए थे। एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है। लेकिन ये फिल्म पूरी करने से पहले ही मुकुल आनंद चल बसे। उनकी इस फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान के साथ रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और विनोद खन्ना थे। हालांकि 10 नाम की दूसरी फिल्म बनी जिसमें संजय दत्त थे, लेकिन वो मुकुल आनंद की नहीं थी बल्कि अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की थी, जो कि मुकुल आनंद की फिल्म 10 से बिल्कुल अलग थी। साल 1990 में फिल्म आई अग्निपथ। इसी के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म के डायरेक्टर थे मुकुल आनंद। चुम्मा चुम्मा गाना याद होगा, उन्हीं की बनाई फिल्म हम का था। इतना कुछ है लेकिन हमें वो याद ही नहीं है। लेकिन संयोग देखिए कि अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद का जन्म दिवस एक ही दिन आता है। बच्चन साहब के बारे में तो आज कई लेख मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाले पर शायद ही कुछ मिले। साल 1990 था, अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था। पिछली फिल्में तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूँ बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी थी। तभी आई मुकुल आनंद के डायरेक्शन में अग्निपथ। अमिताभ के मुंह में रुई भरकर उनका अंदाज और आवाज द गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो जैसी कर दी गई। फिल्म आई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 10वें नंबर पर रही। इसके बावजूद फ्लॉप मानी गई। बजट वाला झोल था, फिल्म अच्छी थी और अमिताभ की एक्टिंग भी। हई और विजय दीनानाथ चौहान बोलकर बच्चन सबके दिल में उतर गए थे। इसके लिए उन्हें तारीफ तो मिली ही, बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड भी मिल गया। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले फिल्म अग्निपथ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये विजय के किरदार को सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाना फिट कर दिया। बाद में उस गाने को मुकुल ने अमिताभ के साथ की गई फिल्म हम में इस्तेमाल कर लिया। फिल्म हम में अमिताभ के साथ रजनीकांत, गोविंदा और किमी काटकर भी थीं। फिल्म हम के बाद मुकुल ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह फिल्म की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद मुकुल ने नए जमाने के एक्टर्स का दामन थामा और फिल्म बनाई त्रिमूर्ति। इस फिल्म में अनिल कपूर, शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ थे। फिल्म रिलीज हुई और मुकुल की जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से पहले शाहरुख खान डर, बाजीगर और करण अर्जुन जैसी फिल्में करके स्टार बन चुके थे। साल 1997 में सलमान खान और संजय दत्त को साथ लेकर मुकुल एक फिल्म बना रहे थे, नाम था 10। इसमें संजय और सलमान खुफिया ऑफिसर्स के किरदार में थे, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसके दौरान ही मुकुल को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। बाद में फिल्म को पूरा करने की कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिल्म अधूरी ही रही। इस फिल्म के लिए बुक की गई डेट्स पर बाद में चल मेरे भाई की शूटिंग हुई। फिल्म 10 के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय ने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। भले ही फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन इसका साउंड ट्रैक एल्बम रिलीज कर दिया गया।
सुनो गौर से दुनिया वालों गाना इसी फिल्म का था और बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। तो बात करते हैं इस फिल्म के रिक्रिएट की। सलमान खान ने इसके प्रोड्यूसर से और इसके राइटर्स से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को खरीद लिया है, क्योंकि उनके हाथ एक अच्छी स्क्रिप्ट लगी ही चुकी है। अब वो इस फिल्म के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त ही नजर आएंगे, यानी कि कहानी के मुताबिक और मुकुल एस आनंद के भी मुताबिक, क्योंकि उनकी इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त ही थे। लेकिन इस बार फिल्म में नई एक्ट्रेसेस को लिया जाएगा और वो नाम है कृति सैनन और सारा अली खान। और इस बार भी इस फिल्म का म्यूजिक देंगे शंकर एहसान लॉय। और ये फिल्म काफी भारी भरकम बजट पर बनने वाली है, क्योंकि इसमें सलमान खान हैं। ये फिल्म 2022 तक की शुरुआत में सिनेमाघरों में आ जाएगी। हम तो ऐसा ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि सलमान खान की फिल्म शूट हो जाए और रिलीज ना हो, लेकिन 1997 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2005 में आई फिल्म 10 से पहले 1997 में सलमान खान, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर फिल्म 10 रिलीज होने वाली थी, लेकिन अफसोस कि फिल्म की शूटिंग 80% तक ही पूरी हो पाई। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद को अचानक हार्ट अटैक आने के कारण इस जहां को अलविदा कहना पड़ा। फिल्म के गाने और प्रोमो टेलीविजन पर आने लग गए थे और उनमें से एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों चार्टबस्टर भी बन चुका था। अभी तक तो आपने इस गाने को गुनगुनाना भी शुरू कर दिया होगा। मैंने तो आपको गुनगुनाते हुए सुना। आज भी ये गाना आपको यूट्यूब में इंडिया की शान बताता और इस अधूरी फिल्म की याद दिलाता नजर आ सकता है। खैर, आपको बता दें कि ये फिल्म शंकर एहसान लॉय दी म्यूजिक डायरेक्टर का डेब्यू हो सकती थी, और वहीं राहुल देव की भी, जो कि एक मॉडल से एक्टर बने। इस फिल्म में पहली बार रवीना टंडन एक नेगेटिव रोल निभाती नजर आती। फिल्म की कहानी टेररिज्म पर आधारित। कैप्टन राजा सेठी यानी कि संजय दत्त को फोर्स 10 नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, अफगान टेररिस्ट नशे मन यानी कि रवीना टंडन को ढूंढने के लिए एक मिशन पर भेजती है, लेकिन नशे मन और उसका राइट हैंड मस्तगुल यानी कि राहुल देव उसे बंदी बना लेते हैं। फिर होती है सल्लू भाई यानी कि सलमान खान की एंट्री, जो कि कैप्टन जीत शर्मा के रूप में उसे रेस्क्यू करने जाते हैं। लेकिन यहाँ हो जाता है कहानी में ट्विस्ट। राजा को यानी कि संजय दत्त को हो जाता है रवीना टंडन उर्फ नशे मन से प्यार, और वो भी बन जाता है टेररिस्ट। और वैसे भी हम सभी जानते हैं दैट एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। बात करें फिल्म की शूटिंग की, तो ऊटा में फिल्म की शूटिंग के दौरान आया था मुकुल आनंद को हार्ट अटैक और ये फिल्म आज किसी कोने में दबी हुई है। फिल्म के को प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन देसाई के पास फिल्म के टाइटल के राइट्स थे, जिस वजह से उन्होंने उसी नाम से संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के साथ 2005 में फिल्म 10 को एक अलग कहानी के साथ रिलीज किया। तो इस बात का ताल्लुक तो कहीं भी नहीं है कि सलमान खान को 2005 की 10 में क्यों नहीं लिया गया। खैर, कहानी अलग तो स्टार अलग, कास्ट अलग, जिस वजह से शायद डायरेक्टर को नहीं लगा, और हो सकता है कि उस दौरान सलमान खान फ्री ना हो। दोस्तों, सलमान खान बस नाम ही काफी है। आज हम आपको बताएंगे बॉक्स ऑफिस के सुल्तान और बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान से जुड़ी एक ऐसी बात जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज दिग्गज डायरेक्टर्स सलमान खान के पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि सलमान खान उनकी फिल्म के लिए हाँ बोल दे, लेकिन सलमान खान अपनी मर्जी के मालिक हैं, वही करते हैं जो उन्हें भा जाए। सलमान खान का जलवा कुछ ऐसा है कि आए दिन जिसे चाहते हैं बॉलीवुड में लॉन्च कर देते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि सलमान खान की कुछ ऐसी भी फिल्में रही हैं जो कभी सिनेमा हॉल तक पहुंची ही नहीं, यानी रिलीज ही नहीं हो पाई। ऐसी ही एक फिल्म थी 10। सलमान खान संजय दत्त की ये फिल्म 10 आज तक अधूरी ही है। दरअसल फिल्म बनाने के दौरान बीच में ही फिल्म के निर्देशक मुकुल आनंद की मौत हो गई, जिस वजह से फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इस फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त के साथ रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी भी मुख्य किरदारों में नजर आने वाले थे। इस फिल्म का एक गीत सुनो गौर से दुनिया वालों आप सबने जरूर सुना होगा। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस में तो ये गाना बेहद पॉपुलर भी हुआ। हालांकि फिल्म का संगीत साल 1999 में रिलीज कर दिया गया था। सलमान खान भी कई बार अपने डेब्यू और संघर्ष के दिनों के बारे में बात कर चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया था,
जब मैं बॉलीवुड में आया तो उस वक्त सनी देओल, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त इतने बड़े स्टार थे जितना कि कोई सोच नहीं सकता। मैंने और अक्षय कुमार ने बड़ी मुश्किल से गलतियां कर करके सीख ली है। सलमान खान ने इसी इंटरव्यू में बताया, जब भी मेरी फिल्म नहीं चलती थी या फिर मैं परेशान होता था कि करियर आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं संजय दत्त या सनी देओल के साथ फिल्म कर लेता। इसलिए मैंने साजन और जीत जैसी फिल्में की। जब भी मुझे लगा कि फिल्में गड़बड़ चल रही हैं, मैंने इन सुपरस्टार के साथ मिलकर किसी तरह अपना करियर बचा लिया था। दोस्तों, ऐसा रियल लाइफ में भी कई दफा होता है जब हमें लगता है कि जिंदगी जैसे रुक सी गई है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सलमान खान के द्वारा कही बात पर अगर हम गौर करें तो हमें ऐसी सिचुएशन में कभी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए कि कुछ नहीं हो पाएगा, बल्कि अपने आसपास के सुपीरियर लोगों से सीखना चाहिए और बस जी जान लगाकर मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन आप लोगों की जिंदगी में भी जरूर आई होगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ आपने उस सिचुएशन को टैकल कैसे किया ये भी जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।